साला ये मार डालेगा मुझे भाई। शिट दादा, मेरा ड्रेस देख के घबरा गया या क्या पता नहीं। 10 रुपए तो भाई सस्ता है ना। स्वागत है इंडिया टू बांग्लादेश सीरीज का 8th एपिसोड में। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैं फिर से चेकपोस्ट गया कारनेट पे सिग्नेचर करवाने के लिए। वो करने के बाद राहुल और उसके फ्रेंड को बाय बाय बोल के निकल गया ढाका जाने के लिए। मैं अभी फिलहाल हूँ इंडिया बांग्लादेश चेकपोस्ट जिसका नाम है बेनापुल पेट्रापुल चेकपोस्ट, और आज मुझे जाना है ढाका जो बेनापुल से 230 किलोमीटर दूर है और जाने में गूगल दिखा रहा है कि लगेगा 6 घंटा। हर जगह पे कोई ना कोई मिल रहा है जो हेल्प करने के लिए तैयार है। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, कर नहीं रहा था आने से पहले, लेकिन सब लोग हेल्पफुल है बहुत। और लोकल रहने से क्या होता है कि जो काम है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है। बांग्लादेश का जो टाइम जोन है वो आधा घंटा फास्ट है, मतलब इंडिया में अगर सुबह के 6 हो रहा है तो बांग्लादेश में उस टाइम होगा 6:30। सो गाइज, आज से बांग्लादेश का ट्रिप स्टार्ट होता है। मैं कल वाला दिन काउंट कर नहीं रहा हूँ क्योंकि बाइक का प्रोसेस वगैरह हुआ नहीं था। आज जाके बाइक का प्रोसेस सब कुछ ख़त्म हुआ है। अभी मैं लीगली बाइक लेके बांग्लादेश में घुसा हूँ। भाई एग्रेसिव होके चलाना पड़ता है, नहीं तो पीछे मतलब ट्रैफिक में अटका ही रहूँगा, वैसा सीन है। तो ये एक्चुअली ढाका का जो रास्ता है गूगल मैप ने दिखा रहा है कि जोशोर शहर का अंदर होके जाना है, तो ये शहर का अंदर में हूँ मैं फ़िलहाल। गर्मी भी बहुत है, जैकेट पहना हुआ हूँ तो खोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं अभी तो। अच्छा, यहाँ पे बोर्ड दिख गया मुझे, ढाका 170 किलोमीटर, नारायल 32 किलोमीटर। आज आप लोगों को ढाका का ट्रैफिक देखने को मिलेगा। ये तो चलो ठीक है, मूव कर पा रहा हूँ। मैंने सुना है कि घंटों भर ट्रैफिक में अटका रहना पड़ता है। सो अभी 30 किलोमीटर मुझे इसी रूट पे रहना है। आज जो मिला था तुषार, उसने बोला था 6 लेन रोड बनाने का प्लान चल रहा है। पद्दा ब्रिज 110 किलोमीटर। गूगल मैप में जो लोकेशन ऐड किया हुआ है वो है पद्दा ब्रिज का लोकेशन। सो वहाँ पे जाके फिर से लोकेशन चेंज करूँगा। रीज़न ये है कि पहले जब ये ब्रिज नहीं था उस टाइम नाव से ट्रेवल करते थे, मतलब बड़ा सा जो फेरी होता है उससे ट्रेवल, उससे क्रॉस करते थे। कोई भी गाड़ी हो, बस हो, बाइक हो, लोग हो, वो फेरी में बैठ के रिवर क्रॉस करते थे। लेकिन अभी क्या ब्रिज बन गया है, और मैं नहीं चाहता कि गूगल में मुझे वो घाट में पहुंचा दे, फेरी घाट में। मैं चाहता हूँ कि ब्रिज में पहुंचा, इसलिए ब्रिज का लोकेशन है डाला मैंने। एक चीज़ मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जितना भी रोड मिला अभी तक टूटा हुआ रोड नहीं मिला, सारा रोड एकदम मस्त है, बहुत ही अच्छा है। हाँ, रोड का विड्थ जो है वो छोटा है, लेकिन रोड का जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। ये देख पा रहे हो आप लोग, ये ढाका। हाँ हाँ हाँ, सीधा जाके राइट। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, चलो। चैनल का नाम काउंटिंग माइल्स, काउंटिंग माइल्स। हमारे इंडिया में जैसे स्टेट होता है, चाइना में प्रोविंस होता है, और बांग्लादेश में इसे बोलते हैं डिवीज़न। मतलब मैं जहाँ पे जा रहा हूँ वो है ढाका डिवीज़न, स्टेट नहीं बोलते। क्या बोल रहे हो? हैं, मुर्तजा है। अच्छा 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 अच्छा, बोल रहे हैं कि मुर्तजा जो है क्रिकेट प्लेयर, उनका घर यहाँ पे है। ये शेख मुजीबुर रहमान, बंगबंधु इन्हें बोलते हैं, बंगबंधु। बंगो मतलब बंगाल और बंधु मतलब फ्रेंड, बंगाल का फ्रेंड बंगबंधु। अच्छा, बोल रहे हैं इनका शोरूम है यहाँ पे, थोड़ा देर रुक के जाने के लिए। पेटा खराब सकाल थे। चाय कॉफ़ी ऑफर कर रहे थे लेकिन मना किया मैंने क्योंकि मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो पानी पी के निकल गया वहाँ से। सो भाई अभी जैसे कि देखा सुजुकी शोरूम में आए हम लोग, ये भाई साहब मुझे लेके आए। अपना नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम है शाहपुरन। शाहपुरन, शाहपुरन। और यहाँ पे आने के बाद चाय कॉफ़ी पूछ रहे हैं, मैंने बोला नहीं मेरा पेट ख़राब है, सुबह से मैं कुछ नहीं खाऊँगा पीऊँगा। सो अभी मैं ना एक आया है तो एक बार यहाँ का बाइक दिखा देते हैं। बाइक दिखाने का रीज़न ये है कि ये सब बाइक हमारे उधर भी है लेकिन डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा, यहाँ पे मैक्सिमम सीसी कितना तक है बांग्लादेश में अलाउड? पहले क्या था, अभी तो चेंज हो गया। 155। अच्छा, मैक्सिमम जो सीसी का बाइक है वही 155। और एज सून एज पॉसिबल लॉन्चिंग 350।
सुजुकी सिक्स सर SF EBS स्पेशल एडिशन बाइक ब्लू सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन नाउ दिस टाइम आवर बाइक प्राइस 3,49,950 यह है 3,49,950 रुपीस। तो प्राइस देख रहे हो डिफरेंस कितना ज्यादा है हमारे उधर का और इधर का। इधर को 150 cc এখন আমাদের দেশে বাইকের দাম একটু বেশি, তো আপনাদের দেশে ইন্ডিয়ায় যারা আছে অবস্থান করছে তাদের জন্য অনেক সুবিধা আছে বাইকের, যে তারা অনেক হায়ার সিসি বাইকগুলো রাইড করতে পারে, যেন অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল বাংলাদেশেও এটা চলে আসবে। তো অমিত ভাই আপনাকে পরিচয় আমাদের অবশ্যই ভালো লাগবে, আসবেন অবশ্যই, ঘুরে যাবেন, ঠিক আছে ঠিক আছে, ধন্যবাদ সবাইকে, ইন্ডিয়ার মানুষ সবাইকে ধন্যবাদ। কি দাদা ঢাকার দিকে যাবেন নাকি মেদিনীপুর দিয়ে? হ্যাঁ মাত্র আমি আইসি কালকে, চলো 100 ম্যাক্সিমাম এমন 100 ইন্ডিয়ান টাকা কত পড়ছে, কত প্রাইস? 1,60,000। হ্যাঁ এদিকে চলে যাবো। তো ইধর বন্ধ রোড বাঁ পে মানে দূসরা সাইড সে বাইপাস বালা সে যা রা থা লেকিন উধর বোল রা কি উধর সে মত যাও, ইয়ে ইধর বন্ধ বালা রোড সে চলে যাও। তো ইধর আ গিয়া মে বাংলাদেশ কা পহলা টোল প্লাজা, বাংলাদেশ কা পহলা নেই মতলব বাংলাদেশ মে আকে মুঝে পহলা টোল প্লাজা মিলা ওহি হে। বাইকের টাকা দিতে হয়? सो यहाँ पे इनको मैंने पूछा कि बाइक का पैसा देना पड़ता है क्या, तो उन्होंने बोला हाँ 10 रुपये। सो यहाँ पे हमारे उधर टोल में जैसे एक डंडा रहता है ना, ऐसे गिरता है उठता है, वो सब नहीं है यहाँ पे, बस एक गार्ड बैठा हुआ है, उसने तो मुझे भी रोका भी नहीं, मैं अगर चला जाता तो हाँ एग्जिट में पकड़ लेता और क्या। ये शायद एक्सप्रेस वे है या क्या है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, ये जो रोड है कालना रोड है, सामने आएगा कालना टोल प्लाजा ऐसा कुछ। ढाका जाना है मुझे सीधा 120 किलोमीटर। ये मुझे समझ में नहीं आया कैसा टोल है, एंट्री का तो पैसा ले लिया लेकिन अंदर में घुसने के साथ साथ ऐसे गाड़ी वगैरह है और रास्ता भी छोटा हो गया, पता नहीं। तो अभी जो एक्सप्रेस वे बोल रहा था वो एक्सप्रेस वे नहीं है, ऐसे ही है मतलब, लेकिन अभी रास्ता जो है यह चौड़ा हो गया, 4 लेन हो गया। ए मार देता भाई इसको, धक्का मार के चला गया। अभी हो नहीं वाला था मतलब टच हो गया शायद, आंखों में कुछ घुस गया था। ठीक है अभी देखो, ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम है जो जिसमें मेरा हाथ नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो मैं क्रिएट करता हूँ। जैसे इसका मेमोरी ख़त्म हो गया, मेमोरी कार्ड मतलब ये बैग के अंदर था पूरा, ये सैडल बैग के अंदर, तो ये पूरा खोल के रास्ते के पास अभी रोड साइड में पूरा खोल के मेमोरी कार्ड निकाला है मैंने। वैसे 360 नहीं होने से भी चलेगा, फिर भी ढाका घुस रहा हूँ मैं तो 360 के साथ घुसना चाहता हूँ, समझ रहे हो बात, वही बात। निकलते हैं, अभी टाइम हो रहा है 3:15 और यहाँ से ढाका दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर दूर है। ए भाई क्या है, 100 किलोमीटर दूर है और पद्दा सेतु जो है वो यहाँ से 55 किलोमीटर से अप्रोक्स दूर है। आज खाया नहीं कुछ भी, सुबह ब्रेकफास्ट किया था बस, निकलते हैं लेट्स गो। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25 मिनट गया मेरा। सो बांग्लादेश में आने के बाद ना मेरा नंबर जो है वो पूरा फेल गया, ठीक है। ये जो जिनके साथ भी मिल रहा हूँ मैं, आज मिला कल मिला, सब ने अलग अलग जगह पे उनका जो बाइकिंग ग्रुप्स है सबको मेरा नंबर वगैरह फॉरवर्ड कर दिया, और ताकि मेरा कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे ढाका में, ढाका से अभी 2-3 कॉल आ चुका है कि जैसे ही ब्रिज क्रॉस करना है फ़ोन करना है, ढाका पहुँच के कॉल करना है, तो वैसा वाला सीन है। अलग अलग जगह से कॉल आ रहा है कि कब आओगे, कोई प्रॉब्लम होने से बताना, रास्ता में कोई प्रॉब्लम होने से बताना, पुलिस पकड़ने से बताना, वैसा वाला सीन है अभी। तो ये एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था। বাংলাদেশে গাড়ি ঢুকাইছে না, আমরাও কয়েকদিন পরে নিব। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জন্য সাথে না। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। না না না, প্রবলেম রয়েল এনফিল্ড ভালো লাগে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও এক্সপ্রেসওয়ে ইয়াহা সে স্টার্ট হুয়া, फरीदापुर लेफ्ट, बोरिशाल ढाका स्ट्रेट। यहाँ बाइक अलाउड है कि नहीं चेक कर देता हूँ, साइकिल और ऑटो अलाउड नहीं है, बाइक तो अलाउड है। ऑसम, तो मुझे इधर से स्ट्रेट जाना होगा।
সো আবি মেরা এন্ট্রি হো রা এক্সপ্রেস ওয়ে মে স্টার্টিং মে থোড়া দের পেলা জো এক্সপ্রেস ওয়ে বোল রা থা মে ও অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্রেস ওয়ে নাই থা ও এসে হি হাইওয়ে থা লেকিন ইয়ে জো হ্যায় ইয়ে হ্যায় এক্সপ্রেস ওয়ে অর ইয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে বাংলাদেশ কা পেহলা এক্সপ্রেস ওয়ে হ্যায় অর এক লৌতা এক্সপ্রেস ওয়ে হ্যায় বেসে অর ভি কাফি সারে এক্সপ্রেস ওয়ে বন রা হ্যায় বাংলাদেশ মে ইয়ে বনা থা 2020 মে অর ইয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে কা নাম হ্যায় ঢাকা খুলনা এক্সপ্রেস ওয়ে ইয়া ফির ঢাকা মৌয়া খুলনা এক্সপ্রেস ওয়ে যা শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক আচ্ছা ইয়া পে অর এক নাম দিয়া হুয়া হ্যায় ইয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে কা শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেস ওয়ে তো মুঝে লাগা থা কি ইয়া পে বাইক অ্যালাউড নেই হোগা ইয়া পে সাইকেল অর অটো অ্যালাউড নেই বস ও সামনে যো হ্যায় ও শায়দ টোল হ্যায় হ্যাঁ পতা নেই ইয়া পে কিতনা পয়সা দেনা হোগা টোল মে ইয়া পে লিখা হুয়া হ্যায় কি স্পিড 20 কিলোমিটার পার আওয়ার ইয়া পে লিখা হুয়া হ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাসড়ক ন্যাশনাল ফাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কা হাইওয়ে ইয়া এক্সপ্রেস ওয়ে মহাসড়ক মতলব এক্সপ্রেস ওয়ে কি হাইওয়ে পতা নেই আচ্ছা ওয়া পে বোর্ড মে লিখা হুয়া হ্যায় T10 মতলব 10 রুপে দেনা হোগা মুঝে 10 রুপে তো ভাই সস্তা হ্যায় না জো ইন্ডিয়া মে জো এক্সপ্রেস ওয়ে হ্যায় যাহা পে গয়া হু মে যমুনা এক্সপ্রেস ওয়ে ইয়া ফির আগ্রা লখনউ এক্সপ্রেস ওয়ে উসমে তো কাফি জিয়াদা থা শায়দ 150 রুপে ইয়াদ নেই আ রা হ্যায় লেকিন 10 রুপে সে তো জিয়াদা হি থা ওকে তো ইয়া পে দেখো পদ্মা সেতু 30 কিলোমিটার ঢাকা 74 কিলোমিটার তো হাম বহুত হি নজদিক হ্যায় ঢাকা কা ইয়ে এক্সপ্রেস ওয়ে মে আপ ম্যাক্সিমাম 80 কে স্পিড মে চলা সকতে হো ইয়া পে লিখা হুয়া হ্যায় 80 আবি সিসিটিভি বগেরা হ্যায় কি নেহি ও তো পতা নেই জেসে ইন্ডিয়া মে হোতা হ্যায় হোনা চাহিয়ে শায়দ দেখতে হি ইস পে সিসিটিভি হ্যায় কি নেহি নেহি ইয়া পে নেহি হ্যায় শায়দ আগলা ওয়ালে মে হোগা সালা ইয়ে মার ডালেগা মুঝে ভাই শিট ইয়ে দো বাস এক সাথ স্পিড মে আ রহে হ্যায় রেস করকে ইয়ে জো বাস কা জো জিতনা সারা ড্রাইভারস হ্যায় না অ্যাকচুয়ালি পহলে পাইলট থে প্লেন হেলিকপ্টার বগেরা চালাতে থে তো উসমে তো স্পিড জিয়াদা হোতা থা আবি নৌকরি চলা গয়া ইসকে ওজহ সে বাস চালাতে হ্যায় ইসলিয়ে ও স্পিড মেনটেন কর রহে হ্যায় প্লেন জেসে জাতা হ্যায় স্পিড মে ও স্পিড মে জা রহে হ্যায় ভয়ানক হ্যায় ভাই সচ মে ভয়ানক হ্যায় আচ্ছা ইয়া পে সিসিটিভি হ্যায় হ্যালো আরিয়েল খান ব্রিজ তো ইয়ে এক ব্রিজ ক্রস কর রহা হুঁ মে ব্রিজ কা নাম হ্যায় আরিয়েল খান ব্রিজ রিভার কা নাম ভি হ্যায় আরিয়েল খান রিভার গলতি কর দিয়া মেনে কুছ খানে কা কুছ সামান রখনা চাহিয়ে থা আবি ভুখ লগ রহা হ্যায় মুঝে অর আবি ইয়ে তো এক্সপ্রেস ওয়ে ইধর কুছ মিলেগা নেই মুঝে সমঝ মে আয়ো বিস্কিট বগেরা হ্যায় ও স্যাডল ব্যাগ কে অন্দর হ্যায় অর ও খোলনে কা আচ্ছা ইয়া সে ইয়া পে এক শপ হ্যায় মাং কে দেখতা হুঁ কুছ দেতা হ্যায় কি নেই দাদা কেক হবে কেক খাবো খাবো কেক কেক একটু বাইরে আসো কেক খাবো কেক মেরা ড্রেস দেখে ঘাবড়া গিয়া ইয়া কে পাতা নেই সামনে বলে রাস্তা হ্যায় উধর অন্দর জানে কা হিল ভি নেই রে আপনি এখা দিতে পারবেন এইদিকে ঢুকার রাস্তা নেই ও এটা কত দাদা কেক মিল গিয়া ভাই তো ইয়া পে কেক লিয়া কেক কা প্রাইস থা 40 রুপে প্যাকেট মে কিতনা লিখা হুয়া ও পতা নেই লেকিন উসনে 40 রুপে বোলা মানে 40 রুপে দে দিয়া আবি থোড়া শান্তি লাগ রহা হ্যায় অর ইয়া পে দেখ পা রহা হুঁ কি পেট্রোল পাম্প হ্যায় এক তো পেট্রোল ভর লেতে হ্যায় ভাই পেট্রোল পাম্প মে ওয়াশরুম ভি হোনা চাহিয়ে ইধর কে বন্ধ দিগা ও খোলাই নেই পেট্রোল পাম্প এসে বোর্ড লাগা কে রাখা হুয়া হ্যায় ইয়ে এসে ফটা গ্লাভস লেকে আয়া হুঁ মে বাংলাদেশ মেরা মানে ইয়ে বহুত জিয়াদা না কমফর্টেবল হ্যায় ইয়ে বাইক ইয়ে গ্লাভস তো হমেশা ইয়ে পেহন কে চালাতা হুঁ মে তো নয়া এক ইয়ে ফট গিয়া ইসলিয়ে নয়া এক লিয়া থা মেনে রয়্যাল এনফিল্ড কা ও বহুত হি আচ্ছা থা মহঙ্গা থা তো ও না কমফর্টেবল নেই হো রহা হ্যায় হাত মেনে দো তিন দিন রাইড কিয়া ও পেহন কে লেকিন কমফর্টেবল নেই হো মতলব বাংলাদেশ আনে সে পেহলে উসকা ওজহ সে ও নেহি লাকে ইয়ে ফটা ফটা ওয়ালা লেকে আ গিয়া মে অভি এক দো ঘন্টা কা রাইড হোনে সে ঠিক হ্যায় পেহন সকতে কমফর্টেবল নেই হোনে সে ভি লেকিন ইয়ে ইতনা পুরা এক মহিনা রাইড করুঙ্গা কমফর্টেবল নেই হোনে সে কমফর্টেবল নেই লাগেগা বাংলাদেশ সাইড মে ক্যা হতা হ্যায় কি মতলব জব ইম্পোর্ট করতে হ্যায় বাইক উস টাইম বাইক কো ভেরিফাই করতে হ্যায় জো ডকুমেন্ট মে জো চেসিস নম্বর ইঞ্জিন নম্বর হ্যায় ও বাইক কে সাথ ম্যাচ করতে হ্যায় লেকিন ইয়া পে বাইক দেখাই নেই বাইক চেক ভি নেই কিয়া কুছ ভি নেই কিয়া অর উসকে সাথ সাথ মেরা লাগেজ ভি স্ক্যান নেই হুয়া কুছ ভি নেই হুয়া ও সব কুছ ভি চেক নেই কিয়া লেকিন দুসরো কা পুরা খোল খোল কে লাগেজ চেক করবাতে হ্যায় ইয়ে কোন হ্যায় আচ্ছা ইধর সে জানা হ্যায়
अच्छा इधर मोटरसाइकिल का लेन जो है वो अलग है, इसलिए उसने रोका। मुझे लगा ओवर स्पीडिंग कर लिया मैंने, इसलिए रोका है मुझे। ये किधर से किधर जा रहा है भाई? अच्छा तो सीधा रख देता इधर से। कौन सर? 100 इंडिया থেকে আসছে ত্রিপুরা ঠিক আছে বেনাপোল আসছে না বেনাপোল হয় হ্যাঁ আজকে আসছে কাল এসেছিলাম যশোর ছিলাম ঢাকা যাচ্ছি আসি 100 rupees আচ্ছা আপ সহি হ্যায় মতলব প্রাইস ये क्या भाई जो स्टार्टिंग में बोल रहा था 10 रुपये बहुत कम है भाई लिया 100 रुपये लिया मैंने सोचा बाहर का हुसले ले रहा है लेकिन उसमें प्रिंटेड था कि 100 रुपीस। ये शायद पद्दा ब्रिज है, शायद पद्दा फ्लाईओवर। इंग्लिश में बोलने से पद्मा पद्मा बोलते हैं, पद्मा ब्रिज, लेकिन हम लोग उधर बोलते हैं पद्दा, ठीक है, बंगाली में बोलते पद्दा। बढ़िया दादा, इस साइड इधर ये वीडियो ना जावे साइड ना रे फोटो वीडियो तुला जावे मैंने सोचा यहाँ से एक फ़ोटो वीडियो लूँगा, लेकिन बोल रहे कि फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है, मतलब रुक के कर नहीं सकते। कोई पुलिस तो है ही नहीं इधर, एक रुक के वीडियो ले लेते और क्या, ना कि रुकना मना है, पता नहीं भाई। अच्छा ये तो रुका हुआ है गाड़ी यहाँ पे, सुसु कर रहा है ये फ्लाईओवर के ऊपर ही सुसु कर रहा है, तब तो मैं भी रुक सकता हूँ ना। ये पुलिस का गाड़ी है क्या? अच्छा ये पुलिस का गाड़ी तो नहीं है, तब तो रुक ही सकते भाई। सो वेलकम टू पद्दा ब्रिज, पद्दा सेतु, सेतु मतलब ब्रिज, ठीक है। सबसे पहले तो रिवर के बारे में बताता हूँ मैं। हमारे उधर इंडिया में जो गंगा है, जो हिमालय से गंगोत्री से आया है, वो गंगा वही रिवर बांग्लादेश में एंटर किया है और यहाँ पे आके बन गया है पद्मा रिवर, पद्मा रिवर, ठीक है। और बाद में यही रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिलता है और इसका नाम हो जाता है मेघना, मेघना रिवर। ये पद्मा रिवर जो है ये बांग्लादेश का सबसे मेजर रिवर है और ऑलमोस्ट 300-350 किलोमीटर लेंथ है ये रिवर का बांग्लादेश में। और एक्चुअली पद्दा भी नहीं, पद्दो, पद्दो मतलब लोटस, और लोटस जो होता है लोटस, लोटस को ही एक्चुअली पद्दो बोलते हैं बंगाली में, मतलब वहाँ से ये नाम आया है पद्दा रिवर। ये जो ब्रिज है पद्दा ब्रिज, ये मतलब बांग्लादेश के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। आप देखो इतना लंबा रिवर, ठीक है, अभी भी लास्ट 4-5 मिनट से मैं जा ही रहा हूँ, इतना लंबा रिवर, पहले ब्रिज नहीं था, और जब ब्रिज नहीं था उस टाइम फेरी से क्रॉस करते थे, और फेरी से क्रॉस करने में ही 3-4 घंटा लग जाता था, और रिवर के उस पार और इस पार को कनेक्ट करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था, सिर्फ एक लौता ऑप्शन था फेरी। तो जितना सारा बस हो, कार हो, बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, उसे वो फेरी के ऊपर उठाते थे और वही फेरी लेके जाता था एक पार से दूसरा पार, एक साइड से दूसरा साइड। तो यहाँ पे जो नीचे बोर्ड देख रहे हो, ये लोग मछली पकड़ रहे हैं नीचे। रिवर तो इम्पोर्टेंट है ही बांग्लादेश के लिए, और ये ब्रिज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बांग्लादेश के लोगों के लिए। पहले जहाँ से मैं आया हूँ जोशोर से ढाका जाने में, पहले 8-7 घंटा ऐसा लगता था, कभी कभी उससे भी ज़्यादा। ये ब्रिज होने के बाद से 4 घंटे में पहुँच जाते हैं जोशोर से ढाका। मेरा कैसा लगे, मैं बहुत धीरे धीरे चला रहा हूँ और एन्जॉय करके जा रहा हूँ, इसका वजह से मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है, ढाका पहुँचने का टाइम कट गया है। और ये जो ब्रिज है इसमें ना रेलवे लाइंस भी है, मुझे तो दिख नहीं रहा रेलवे, मैंने सुना था कि यहाँ पे रेलवे लाइंस भी है, लेकिन रेलवे लाइंस कहाँ है वो दिख नहीं रहा मुझे, शायद उस साइड में होगा या क्या पता नहीं। और ये ब्रिज का लेंथ अप्रॉक्स 6 किलोमीटर जैसा है। 30,000 करोड़ बांग्लादेशी टाका से ये ब्रिज बना था, और ये ब्रिज जब बना था ना ये बहुत, इसको क्या हो गया, क्यों बोलो भाई, हाँ तेल नहीं, तेल
তাহলে বসো, আমি পাটা টাচ করে দেই, চলো। তো এই ভাই কা স্টার্ট নেই হরা, গিয়ার দিয়ে স্টার্ট করে দেখো, গিয়ার দিয়ে স্টার্ট করে দেখো। হলো হয় নি? ঠিক আছে দাঁড়াও। साला बस साला मार देगा क्या? चलो ये भाई साहब को थोड़ा पार कर देते हैं ब्रिज, उसके बाद तो अपने आप शॉप मिल जाएगा इसको। ए मैं भी गिरूंगा भाई, आराम से। हो गया, स्टार्ट हो गया। नहीं हुआ तो इसको धक्का मार मार के लेके जा रहे, पता नहीं कितना दूर जाना होगा। এ সাইডে যাও ভাই, আমি পরে যাব। না বলছি লেফট সাইডে থাকো, বেশি ডান দিকে আসলে আমি পরে যাব। হ্যাঁ এখানে পেয়ে যাবে তো। ঠিক আছে ঠিক আছে। এ শায়দ এক্সপ্রেসওয়ে খতম হো রহা হ্যায় অভি। ওর ট্রাক কা উধার মিনি ট্রাক কা প্রাইস হ্যায় টিকিট হ্যায় 250, মিডিয়াম ট্রাক কা 330, আর এ সামনে যো বাস যা রহা হ্যায় ইসমে টোল কালেক্ট করতে হ্যায় 295। দেখো সব পতা হ্যায় মুঝে। দাদা এদিকে পেট্রোল পাম্প কোথায় পাবো? লোকাল তেল নি দিব। কোথায় পাবো? ইয়ে মুঝে সমঝ মে নেই আ রহা হ্যায় কি কেসে ম্যানেজ করতে হ্যায়। ঘুসনে কা টাইম পে টিকিট লিয়া, টোল হর এক টোল মে টিকিট লেতে হ্যায়, ঠিক হ্যায়। অভি হামারে ইন্ডিয়া মে ক্যা হোতা হ্যায়, জব টোল সে নিকলতে হ্যায় এক্সিট করতে হ্যায় উস টাইম ও পহলা ওয়ালা টোল কো দিখানা পড়তা হ্যায় কাগজ কো। অভি তক জিতনা ভি টোল মিলা সবসে পয়সা দে কে মেনে খরিদা হি হ্যায়, টিকিট লিয়া হি হ্যায় মেনে। মেনে ও কহি পে ভি টিকিট দিখায়া নেই, तो ऐसे मुझे कब दिखाना होगा पता नहीं, या फिर नहीं दिखाना है कहीं पे भी वो भी पता नहीं। एक्सप्रेसवे के अंदर कोई भी पेट्रोल पंप वगैरह नहीं है। मेरा पेट्रोल है वैसे अभी भी, ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी ख़त्म हो जाएगा, मतलब शायद कुछ किलोमीटर बाद रिजर्व पे चला जाएगा। भरने के लिए ढूंढ रहा था मैं, लेकिन बोल रहा है कि इसी एक्सप्रेसवे में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मुझे रोड से बाहर जाना होगा। अभी पता नहीं मुझे वो टिकट पर्ची जो है वो कहीं पर दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा, दिखाने का ज़रूरत नहीं है शायद। टोटल अभी तक पेमेंट कर लिया मैंने 150 रुपये, तो ढाका 12 किलोमीटर। सो अभी धीरे धीरे शहर में एंट्री ले रहा हूँ मैं, ढाका शहर में। मुझे सच बोलूँ तो वेस्ट बंगाल की तरह लग रहा है अभी तक। बांग्लादेश में 2 दिन में जहाँ पे भी गया मैं, सारा वेस्ट बंगाल की तरह ही लग रहा है। लाओस वियतनाम थाईलैंड में क्या था, एटलीस्ट चेहरा अलग था फेस स्ट्रक्चर अलग था, लेकिन यहाँ पर तो सब सेम है, हमारे उधर जैसा ही है। चलो ढाका का ट्रैफिक में शायद स्वागत है, शायद। अभी मैं ढाका पहुंच ही गया ऑलमोस्ट, और मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है आज का वो यहाँ से 12 किलोमीटर, और सोचो 12 किलोमीटर जाने में दिखा रहा है 1 घंटा 59 मिनट, समझ रहे हो बात? भालो भालो सुधर जाओ। কোথায়? এই পায়ে একটা গলি গিয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। বসো 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 বসো। হ্যাঁ ঠিক আছে। কোন দিকে? বসো বসো। অমিত দাদা উসকো চিন্তা পেহচান তো 2022 মে লাস্ট নাইট মজদাক চৌধুরী মেরা ফ্রেন্ড হ্যায় ও বলতা হ্যায় ইন্ডিয়া সে এক বাইকার আ রহা হ্যায় উসকা নাম হ্যায় অমিত, চ্যানেল কা নাম হ্যায় কাউন্টিং মাইন্ড। সো জব মেনে সুনা তো মেরা মন মে ক্লিক করা, ইয়ে অমিত ও অমিত নহীঁ হ্যায় হ্যায় কি নহীঁ। হ্যাঁ সো তো দিস ইজ মাই ড্রিম ট্যুর, লাদাখ ট্যুর। মানে স্ক্রিনশট লে রাখা হ্যায় 6 জুন 2022 মে 2020। সো ফাইনালি হি ইজ মাই প্যালেস, হি আর মাই প্যালেস। তো থ্যাংক ইউ সো মাচ অমিত দাদা। দেখি ফটোটা
এটা তো আমার এক্সপ্রেশনটা তো 2020 কো স্ক্রিনশট লেগে রাখা থা ইয়ে ওয়ালা লাদাখ ইনফরমেশন। তো ফিলহাল মে ঢাকা মে পৌঁছ চুকা হুম, মতলব ঢাকা কে অর ভি অন্দর জানা হে। তো ইয়ে জো হে রসেল নাম হে ইনকা, অর মজদক কা টুর সে ইনকে সাথ বাত হো রহা হে। ইয়ে মতলব কব সে ওয়েট কর রহে হে, জো আ রহে থে, জব আ রহা থা মে তব বার বার ফোন কর রহে কাহাঁ পৌঁছে কাহাঁ পৌঁছে। ये भी टेंशन में थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है मेरा, क्योंकि मैं तो रुक रुक के आ रहा था, धीरे धीरे आ रहा था। तो वही अभी रोड के पास खड़े थे और वहाँ से बुला के अपना घर लेके आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा देर बैठूँगा फिर यहाँ से निकलूँगा। ये बोल रहे यहाँ पे रुकने के लिए, लेकिन पता है कि भैया वेट कर रहे हैं उधर, ज़्यादा लेट नहीं कर सकता, तो वही बार नहीं तो रुक जाता। ये जो लाइट है मेरा फॉग लाइट, मेरा एक्चुअली दो फॉग लाइट है, एक ऊपर में लगा हुआ है, एक नीचे में लगा हुआ है, दो मतलब दो पेयर फॉग लाइट है। तो उनमें से एक फॉग लाइट ख़राब हो गया। अभी फॉग लाइट तो ख़राब नहीं हुआ होगा, मेरा स्विच ख़राब हुआ होगा। आज एक्चुअली बहुत लोगों ने चलाया है, रास्ते में भी चलाया, तो कब टच हो गया पता नहीं। तो रसेल मुझे एक पॉइंट तक छोड़ देगा, वहाँ से मुझे गूगल मैप देख देख के जाना होगा। और बोल रहे हैं कि ऐसा एक रास्ते से भेजेगा मुझे जहाँ पर ट्रैफिक बहुत कम होगा। मेरा जो सैडल बैग है वो मतलब घिस जाएगा, यहाँ पे जैसे लोग चलाते हैं ना, पूरा एकदम घिस घिस के चलाते हैं। कौन कहाँ से घुस रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अच्छा हुआ ये आ गया भाई, मुझे मतलब गूगल मैप देख के भी समझ में नहीं आता। शिट, लोग बोलते हैं कि इंडिया का ट्रैफिक ख़राब है, वियतनाम का ट्रैफिक ख़राब है, असलियत में तो ढाका सबसे फास्ट है। ये मतलब गाड़ी सामने अगर कोई है तो हाथ से दिखा रहा है कि उधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, लेफ्ट में जाओ राइट में जाओ, ऐसे दिखा रहा है। ये कहाँ लेके गया भाई? ये जगह का नाम की जात्रावाड़ी। ये मिल गया ये तो थोड़ा अच्छा हो गया कि ट्रैफिक वाला सेक्शन से बाहर निकाल के एक बाईपास में आके छोड़ दिया। अगर मैं गूगल मैप देख देख के जाता तो मुझे मतलब गूगल मैप में दिखा रहा था कि एक डेढ़ घंटा लगेगा 11 किलोमीटर जाने में। तो यहाँ पे आए हैं, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। सो मच अमित दादा, सो बांग्लादेश में आपको एक्चुअली क्या बोलता है हिंदी में, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ, सो तो बांग्लादेश बोला। अच्छा, तो हमें आशा करब जो अमितर बांग्लादेश भ्रमण का खूब सुंदर होक, আমি এই প্রার্থনাই করি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো বাংলাদেশ থেকে আসলে ভালো একটা মেমোরিজ নিয়ে যাক, আমি এটাই চাই। হ্যাঁ, এই তো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, দেখা হবে পরে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। কষ্ট হলো তোমার? আরে ইতনা ফ্রি হ্যায় ইয়ে, এসা মতলব মিলকে লাগা কি বহুত সালো সে জানতা হু ইসকো মেন। মেন এক্সপেক্ট নাই কর রাহা থা কি বাংলাদেশ মে আকে মুঝে এসা মতলব ইতনে লোক মিলেঙ্গে, সমঝ রহে হো। और ये तो सेकंड हाफ छुट्टी लेके आए बस 15-20 मिनट मिलने के लिए, मजा दी लाइफ। ये दिखा रहा है कि 8 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लगेगा। तो ये रसेल जो है थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन कर रहा है, उधर वो मैप में चेक कर रहा है और मुझे बता रहा है कि सही जा रहे हो सही जा रहे हो। ये सामने पुलिस है, वैसे डॉक्यूमेंटेशन तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बोला है कि पुलिस से बच के रहना, पुलिस सोचते हैं कि बाइक को स्मगलिंग करके लाए हैं वो सोचते हैं, इसीलिए फॉरेन बाइक देखने से पकड़ते हैं बहुत। वैसे पकड़ने से छूट जाऊंगा, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। फुल करो दो, आस्ते आस्ते करो, एक 900 टका करो दो, 900 टका करो दो, 900 হচ্ছে না, 900 হচ্ছে না। हमारे उधर 1 रुपये ज़्यादा होने से छोड़ देते हैं, इधर 2 रुपये कम देते हैं। रसेल बोलो। না 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 ঠিক আছে, ম্যাপ দেখে দেখে যাচ্ছি, অসুবিধা নেই ভাই, মাননা পড়েগা। কেসে কেসে চালাতে ইয়া পে লোক, কেসে সেহতে পতা নেই। ইয়ে দেখো রিক্সা সে উপর সে চলা গিয়া, রিক্সা রাখা হুয়া থা, রোড ক্রস করতা থা, রিক্সা কে উপর সে চলা গিয়া। বড়িয়া হ্যায়, অ্যাম্বুলেন্স বগৈর আনে সে যাতা কেসে হোগা ভাই। ये देखो एम्बुलेंस है, ये भी लाइन में लग के जा रहा है। ओ आशीष दा, एक तो कौन ये कर रहे हैं?
अरे सकल आके और वीडियो नहीं बनाया यहाँ पे पहुँचने के बाद। एक्चुअली इनके साथ भी फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ मैं, दादा भैया भाभी के साथ, तो बहुत सारा बातें किया। रात को 2 बजे सोया, आज सुबह 12 बजे उठ रहा हूँ मैं, उठ के ये वीडियो एंड करूँगा अभी। सो अगर लाइव अपडेट चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा लाइव अपडेट, उधर फॉलो कर लेना। और ये हंस रही है बच्ची मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल के साथ। और हाँ, और अगला वीडियो मतलब अभी निकल रहा हूँ मैं बाहर ढाका घूमने के लिए, तो देखते हैं क्या क्या घूमते हैं। आई होप मज़ा आएगा मुझे, बहुत सालों का जो ख्वाहिश है वो पूरा हुआ है मेरा बांग्लादेश आने का। सो हाँ, तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो पे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट वगैरह हो, सवाल हो, आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।